उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा बचरावा के ब्लॉक सियुगर की ग्राम सभा वसा में प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में लोक निर्माण विभाग की 2381.28 करोड़ की लागत से 49 परियोजनाओं का लोकार्पण व 80.61 करोड़ की लागत से 49 परियोजनाओं का शिलान्यास बटन दबाकर किया। कुल लगभग 1.4 करोड़ 90 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। जनपद में विभिन्न संपर्क मार्ग, नव निर्माण कार्य, सीसी रोड कार्य, थानों में हॉस्टल, बैरंग विवेचना कक्ष का निर्माण, आरसीसी लघु सेतु का निर्माण आदि परियोजनाओं के कार्यों का शिलान्यास व जनपद के विभिन्न संपर्क मार्गों का कार्यों का लोकार्पण शामिल है। बचरावा विधानसभा के विधायक राम नरेश रावत, सियुगर के राजा राकेश प्रताप सिंह, पूर्व विधायक राजा राम त्यागी, महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य व भाजपा नेता प्रभात साहू, सियुगर के भाजपा मंडल अध्यक्ष जीबी सिंह, युवा भाजपा नेता अनुज मौर्य, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जन्मेजय सिंह, सरोज गौतम, भाजपा नेता विद्यासागर अवस्थी एडवोकेट, महाराजगंज मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश वर्मा, भाजपा नेत्री प्रीति पांडे, भाजपा नेत्री अनिता श्रीवास्तव, भाजपा नेत्री किरण सिंह, विधायक की पत्नी सरोज रावत, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप यादव, सरस सिंह आदि गणमान्यों ने भी प्रदेश सरकार की उपलब्धियों व सरकार के लाभपरक योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। रायबरेली भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी आदरणीय विजय वाजपेयी जी से कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। मौर्य जी के जो मुख्यमंत्री है, मार्गदर्शन में बचाव विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है और हम लोग तो कहते हैं किसानों की आज जो दूनी करने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है उसमें हम लोग कभी पीछे नहीं है और बराबर इस दिशा में काम चल रहे हैं। विरोधी पार्टियां बौखला गई है कि अब किसान भी भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह जुड़ गया है, अब इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इनकी तो एक कहानी है, एक बहुत बढ़िया कहानी उचित है इनके ऊपर, जैसे कि एक बहेलिया था, एक कोयल पेड़ पर बैठी थी, बड़ी मधुर आवाज में बोल रही थी। बहेलिए ने देखा अगर कोयल मधुर आवाज में बोल रही है तो अगर इसको अपने घर पर रखेंगे पकड़ के तो इसकी मधुर भाषा हमको दिन प्रतिदिन देखनी पड़ेगी। तो यही सोच में बहेलिए ने जाल फेंका तो दोस्तों कोयल तो उड़ गई, उसी डाल पे में उल्लू बैठा हुआ था, उल्लू नीचे आके गिरा, बहेलिया उसको पीटने लगा, उल्लू की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या हो रहा है। और बहेलिया ने सोचा अभी तो बड़ी मधुर आवाज में बोल रही थी, अभी क्या हो गया, अब इसकी बोलती बंद हो गई है। उल्लू के मुख से सिर्फ अनायास ही निकल पड़ा, अकिल बुद्धि समय हरी, कहा तो फिर कहीं। यही हाल विरोधी पार्टियों का है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा हर एक क्षेत्र में जो बह रही है वो विकास की अविरल धारा बह रही है, उसी के चक्कर में ये लोग बौखला रहे हैं। अंत में चूंकि अभी बहुत से लोग हैं मंच पे, हम अपनी बारी मोदी जी की जो सोच है, हमारे माननीय विधायक जी की जो सोच है, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जो सोच है और शरद सिंह जी ने जो यहाँ पे अभूतपूर्व व्यवस्था की है इसी दिन में, मैं इनको भी बहुत हृदय से दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, मैं एक दोहे के रूप में एक लाइन आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। साइट ना दीजिए जाए कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। अंत में चार वेद छे शास्त्र में बात लिखी है, दो
सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो कबीरा, दुख दीने दुख हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।